आयकर विभाग ने दैनिक भास्कर मीडिया समूह के कई संस्थानों पर छापामार कार्रवाई की। इनकम टैक्स की टीम ने भोपाल, अहमदाबाद, जयपुर सहित पूरे देश में 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। अब तक की छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने का दावा किया गया है। छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। दैनिक भास्कर मीडिया समूह के मालिकों के घर और संस्थानों पर आयकर विभाग ने टैक्स चोरी को लेकर छापेमार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि रात 2:30 बजे के बाद से ही कंपनी के कार्यालयों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की ये छापेमारी भास्कर के भोपाल, नोएडा, जयपुर और अहमदाबाद सहित 40 ठिकानों पर की गई है। इस दौरान भास्कर कार्यालय में मौजूद सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं, साथ ही किसी को बाहर नहीं जाने दिया गया। इनकम टैक्स की टीम भोपाल के प्रेस कॉम्प्लेक्स सहित आधा दर्जन स्थानों पर मौजूद है। कार्रवाई के दौरान ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ लोकल पुलिस भी मौजूद रही। पूरा सर्च ऑपरेशन दिल्ली और मुंबई टीम के द्वारा संचालित किया जा रहा है। छापेमारी की कार्रवाई को 100 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी अंजाम दे रहे हैं। अब तक की छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने का दावा किया गया है। अग्रवाल बंधुओं से जुड़े पावर प्लांट, शुगर फैक्ट्री, सॉल्वेंट ग्रुप सहित कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों में केंद्रीय जांच एजेंसी को वित्तीय अनियमितता की सूचना मिली थी। भास्कर की तमाम कंपनियों के वित्त प्रबंधकों से पूछताछ चल रही है। इनकम टैक्स की इस रेड से दैनिक भास्कर, नागपुर, जबलपुर, रीवा, लखनऊ वाला भास्कर समूह मुक्त है। वहीं छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, रेड ZVG प्रेस की आजादी पर महत्वपूर्ण हमला। दैनिक भास्कर के भोपाल, जयपुर और अहमदाबाद कार्यालय पर अब इनकम टैक्स के छापे। लोकतंत्र की आवाज को रेडराज से नहीं दबा पाएंगे। MP के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी इन छापों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।